आईपीएल के 13वें सीजन का 21वां मैच में टॉस हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अबू धाबी में आज मैच के दौरान आसमान साफ होगा। तापमान 28 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, पर यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलता है। आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर ली जाए तो शेन वॉटसन है, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, विकेट कीपर कप्तान एमएस धोनी, केदार यादव, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, सैम करण शर्मा के रूप में एक नए बदलाव की ओर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आज देखा जा रहा है। शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक चाहर हैं। वहीं अगर केकेआर की बात कर ली जाए तो शुभमन गिल, सुनील नारायण, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, ऑयन मॉर्गन, पैट कमिंस, राहुल त्रिपाठी, कमलेश नागरकोटी, शिवम अभी और स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती है। इस मैदान पर कुल हुए 44 T20 मुकाबले, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 19 बार जीती है। वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को 25 बार जीत मिली है। पहली पारी में औसतन स्कोर है 137, वहीं दूसरी पारी में औसतन स्कोर है 128। चेन्नई ने 3 बार और कोलकाता ने 2 बार अभी तक आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं। दूसरी ओर धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने लगातार 2 बार 2010 और 2011 में खिताब जीता था, तो वहीं कोलकाता 2014 और 2012 में खिताब जीता था। पिछली बार यह टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। वहीं चेन्नई 5 बार 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में आईपीएल में रन अप भी रहा है।